हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए लगातार लाइव क्लासेस चल रही है। आज से मैंने आपको 7:30 बजे एक क्लास शुरू की थी सामान्य विज्ञान की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये क्लास जो है ना सामान्य विज्ञान वाली सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे जो आ रही है, ये क्लास ना केवल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वरन जो आपका लैब असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है UK SSSC के अंतर्गत या UK SSSC ग्रुप सी में कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक क्लास है जनरल साइंस वाली, ठीक है। तो आप लोग इसलिए इसको देख लेना, बाकी जो PCS वाले भैया वो तो देख ही लेना इसको। साथ ही जो सेशन हमारा रात में चलता है GS वाला, वो सेशन तो सबके लिए महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड PCS के लिए भी और UK SSSC ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि वो GS वाले लाइव क्लासेज में शाम वाली में हम देखते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक GK के महत्वपूर्ण MCQs, ठीक है। साथ ही जो हमारा दूसरा चैनल है देवभूमि 2.0, वहाँ पर जो हमारी क्लास चल रही है उनको आप ज़रूर देखें, सेकेंड चैनल को, ठीक है। वहाँ पर हिंदी, उत्तराखंड GK और सामान्य अध्ययन की डेली क्लास चलती है सुबह 7 बजे, ठीक है। उन क्लासेस को बिल्कुल मिस ना करें, बहुत अच्छे से सर पढ़ा रहे हैं वहाँ पे ग्राफिक्स के साथ। उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से कर ले या आप सर्च भी कर सकते हैं देवभूमि करियर 2.0। ओके, तो अब आ जाते हैं भैया UK SSSC के एक संवाद पे, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए ये वीडियो लाया हूँ क्योंकि इससे आज बहुत लोगों की आंखें खुलेंगी और फॉर्म भरने से पहले वो बिल्कुल चेतन मन से फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, देखिए आयोग के द्वारा कि एक मामला आया है, देखिए मामला यह है, विकासदीप धनोला नाम के कोई व्यक्ति हैं और इनका अभियंता, जो अवर अभियंता की पोस्ट आई थी अभी, ठीक है, हाल में आपने देखा होगा। तो यहाँ पर अवर अभियंता में क्या हुआ, इनका अवर अभियंता में इनसे एक मिस्टेक हो गई। इन्होंने क्या किया, जब भी हम फॉर्म भरते तो फॉर्म भरने में कई जानकारी मांगता है, आपका नाम मांगता है, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, ठीक है, जेंडर भी मांगा जाता है उसमें। तो जेंडर में इन्होंने क्या कर दिया, मेल की जगह फीमेल कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे रिजल्ट आया भैया, रिजल्ट आने में क्या हुआ कि जो इनके मार्क्स थे वो मेल कैटेगरी के बराबर थे, जो कट ऑफ गई मेल की, लेकिन इन्होंने फॉर्म में क्या कर दिया था, गलती से फीमेल कर दिया था और इनके मार्क्स मेल कैटेगरी के कट ऑफ के बराबर थे। तो इन्होंने याचिका डाल दी हाई कोर्ट में कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है। तो जैसे इन्होंने याचिका डाली, रिट की बात की जाए, रिट क्या होती है आपको पता है ना, याचिका बोलते हैं जिसको, 5 तरह की रिट हमको दी गई है हमारे अधिकारों का संरक्षण करने के लिए। जब भी हमें लगता है कि हमारे अधिकारों के खिलाफ कोई काम हुआ है तो हम याचिका दायर कर सकते हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। केवल 2 ही जगह पे रिट दायर होती है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है। सेशन कोर्ट में या अधीनस्थ न्यायालयों में आप रिट दायर या याचिका दायर नहीं कर सकते, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए याचिका इन्होंने क्या की कि मेरे गलती से पुरुष की जगह स्त्री कर दिया मैंने, लेकिन मेरे मार्क्स अब पुरुष के कट ऑफ के बराबर है तो मुझे सेलेक्शन में मौका दिया जाए। तो हाईकोर्ट ने क्या बोला भैया 21/6/2021 को कि याचिका खारिज कर दी इनकी, यानी कि केस डिसमिस। क्यों बोला गया आयोग, जो हमारे हाईकोर्ट है माननीय, उन्होंने ये बोला कि आपकी ही गलती है ये, ठीक है। बाद में इस मामले को उन्होंने खंडपीठ में चुनौती भी दी, लेकिन खंडपीठ से भी यही रिजल्ट आया 4 मार्च 2022, देखिए रिसेंट घटना है। यहाँ पर धनोला जी की याचिका अस्वीकार हो गई और आदेश दिया गया कि आवेदन पत्र सही प्रकार से भरना अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है और याचिका स्वीकार की जाती है तो एक ऐसा अभ्यर्थी चयन से बाहर हो सकता है जिसने अपना आवेदन सही प्रकार से भरा है। तो एक मैं आपको हमेशा बोलता हूँ भैया, किसी भी, देखिए आप यार इतने पढ़े लिखे आदमी हो, खुद ही सोचो ना, किसी भी एग्ज़ाम का सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है आवेदन। अगर आवेदन ही सही नहीं होगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगी भी आप बाहर हो जाएंगे। मैं कितनी बार ये बोल चुका हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, फॉर्म भरना भी उतना ही आवश्यक है जितना एग्ज़ाम क्रैक करना। फॉर्म अगर अच्छे से नहीं भरा, आप कितने ब्रिलियंट हो, कितने इंटेलिजेंट हो, आप अगर 90 नंबर ला के भी सिलेक्शन पा रहे, यहाँ पे छोटी भी गलती आपकी आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने किए गए दावों में क्या हो रहा है, झूठे पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आवेदन भरना बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए हाईकोर्ट, खंडपीठ दोनों ने याचिका इनकी निरस्त कर दी और बोला है कि ये आपकी ही गलती है, और अगर आपकी याचिका को हम एक्सेप्ट करते हैं तो जिसने फॉर्म अच्छे से भरा है और जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वो बेचारा बाहर हो जाएगा आपको अंदर करने पे। तो गलती आपने स्टार्टिंग में ही कर दी है, बाद में तो फिर प्रोसेस आगे गई है ना, सेकेंड स्टेप पर एग्ज़ाम हुआ है, पहला स्टेप तो आवेदन पत्र भरना होता है। इसलिए जब भी आप आवेदन भरेंगे दोस्तों तो बहुत ध्यानपूर्वक आवेदन भरना है, ठीक है। OTR अच्छे से करें, फॉर्म अच्छे से भरें, कोई भी गलती देखिए यहाँ पर आपका करियर खत्म कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। इतना मेहनत लगती है उत्तराखंड में, इतने साल लगते हैं एग्ज़ाम क्रैक करने में, 1-2 साल का पूरा प्रोसीजर रहता है ग्रुप सी एग्ज़ाम का। उसके बाद मान लो आप अच्छे मार्क्स ला के थोड़े से मार्जिन से बाहर होते हैं तो सोचिए फिर कितना ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। तो आप ऐसी गलती ना करें। और दूसरा देखिए, दूसरा एक और है मामला,
दूसरा मामला क्या कि एक अभ्यर्थी था जिसने कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के पदों को नियुक्ता विभाग की ओर से कम किए जाने की निर्णय को चुनौती दी। इस मामले में भी उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया और अभ्यर्थी श्री गोपाल दत्त चबडाल द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील आयोजित की गई, इसको भी माननीय न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए होता क्या, मैं आपको सिंपली बताऊं, बहुत कम लोग ये जानते हैं। देखिए जो गवर्नमेंट जॉब आती है ना, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट हमारी क्या है, एम्प्लॉयर है जो हमको जॉब प्रोवाइड करवा रही है। गवर्नमेंट को अगर वैकेंसी चाहिए, गवर्नमेंट को अपनी वैकेंसीज अगर भरनी है तो गवर्नमेंट क्या करता है, विज्ञप्ति जारी करता है। और गवर्नमेंट क्या है कि एम्प्लॉयर है, और किसी भी एम्प्लॉयर लेबर लॉ क्या बोलता है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा, अगर वैसे तो नहीं, बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जो LLB वाले हैं उनको ये पता होता है, लेबर लॉ में बहुत से टर्म एंड कंडीशन होती हैं जहाँ पे ये बोला गया है कि भाई किसी भी जॉब प्रोफाइल को क्रिएट करने में एम्प्लॉयर ही सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर ही जिम्मेदार होता है। यानी कि जैसे UK SSS है, UK SSS एक एजेंसी है, एक संगठन है जो कि केवल रिक्रूटमेंट करता है, स्क्रूटनी करता है ना। लेकिन एम्प्लॉयर कौन होता है, जैसे कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आई, जल विभाग में आई, जल निगम में आई, वन विभाग में आई, ठीक है, इसके साथ साथ कार्मिक विभाग में आई, सचिवालय में आई, तो ये सभी सब क्या है, सचिवालय इसमें क्या हो जाएगा, हमारा एम्प्लॉयर हो जाएगा। गवर्नमेंट कुल मिला के एम्प्लॉयर है, और एम्प्लॉयर को ये राइट होता है भैया, वो कितनी भी वैकेंसीज यहाँ पे रख सकता है, संबंधित वैकेंसी के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये भी एम्प्लॉयर का ही राइट होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, भले हम याचिका दायर करते हैं, मैं आप में से बहुत लोगों को मेरी ये बात गलत लगेगी, लेकिन जो आदमी जॉब दे रहा है, मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मुझे एक क्लर्क चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, वहाँ पे हेल्प डेस्क में चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में लोग चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिसाइड करूँगा ना लेबर लॉ के हिसाब से, फिर उसमें कुछ एडिशनल चेंजेस मैं कर सकता हूँ कि इंटरव्यू में मैं कितने स्टेप करूँगा, क्या मैं CTC दूंगा, या ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी क्या होगी मेरी एम्प्लॉय की, ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिसाइड करता है एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा यहाँ पे लूप होल रहता है, एक लूप होल ये है भैया, कई बार क्या होता है, देखिए मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं समझ रहा हूँ, कई बार लूप होल क्या होता है, किसी वैकेंसी में मान लो गवर्नमेंट ने 500 पोस्ट निकाल दी, अब हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं 500 की वैकेंसी आ गई है, चलिए फॉर्म भरते हैं, और बाद में उस वैकेंसी को 100 कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ा धोखा है। अब जिन फॉर्म में देखिए अभी फॉर्म फीस हमारी माफ़ की गई थी, इसमें तो हमारा कुछ लग भी नहीं रहा ना, हम यहाँ पे कैसे किस आधार पे याचिका दायर करेंगे। हाँ ये हो सकता है कि जो हमारा साइकोलॉजिकल है उसके हिसाब से हमारे मन पे प्रेशर पड़ रहा है कि हमने इतने खुशी में हमने फॉर्म भरा था, बट उसके बाद वैकेंसी डिक्रीज कर दी गई, जिससे हमारे मानसिक अवस्था पे इफेक्ट पड़ा है, हम ऐसी बात रख सकते हैं, ठीक है। बट कोई भी चीज़ तर्कों पे होती है दोस्तों, साक्ष्यों पे होती है, कोर्ट में हर चीज़ साक्ष्य पे होती है, प्रूफ से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और हमारे पास कोई इतनी औकात नहीं है कि हम बहुत बड़े वकील हायर करें, जैसे देश में थे राम जेठमलानी है, कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं, हरीश सालवे जैसा जो वकील है 30 लाख रुपये हायरिंग की लेते हैं, ऐसे वकील हायर हम थोड़ी कर सकते हैं जो लूप होल ढूंढ के यहाँ पर सरकार को ही चीत कर दे, है ना। तो ऐसे रिट दायर करने से भी आप लोग बचे, इससे क्या घाटा होता है, भर्ती का जो प्रोसेस है बहुत लंबा हो जाता है। कोई भी भर्ती अगर न्यायालय में जाती है तो उसका जो प्रोसेस है ना, वो मान के चलो 6 महीने से 1 साल डिले हो जाता है। तो कई लोग, एक ऐसा गैंग भी है, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं नहीं बोलूँगा, इन लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं है, बट उत्तराखंड में एक ऐसा गैंग भी सक्रिय है जो जानबूझ के भर्तियों को कोर्ट में ले जाता है, और वो अपोजिशन वाले होते हैं, कांग्रेस की पार्टी आई तो वो BJP वाले होते हैं भाई, BJP की पार्टी आई तो वो कांग्रेस वाले होते हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इन चक्करों में ना पड़ें, आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, और जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो बहुत प्यार से फॉर्म भरें, अच्छे से फॉर्म भरें, ठीक है। बाकी अपने राइट के लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, जब भी कोई चीज़ बुरी लगती है या कोई भी चीज़ हमें लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, तो हमको न्यायालय में भी जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति का, किसी भी अवेयर व्यक्ति का मौन रहना उतना ही ज़्यादा खराब है जितना अनपढ़ आदमी का जुल्म सहना, ये हमेशा याद रखना। तो आप लोगों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए, मैं बोलना चाहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ों में ये होता है कि देखिए गवर्नमेंट जॉब देना गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है, और गवर्नमेंट पे ऐसा कोई प्रेशर या गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होती कि वो हर साल जॉब निकालेगी, हर साल उत्तराखंड PCS आएगा, हर साल लोअर PCS आएगा, हर साल ग्रुप सी के पोस्ट आएंगे, उनको जब जरूरत होगी तब वैकेंसी निकालेंगे, आवेदन करके हम उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं जॉब के लिए ज़्यादा यहाँ पे हमको ज़रूरत है। अगर वो चाहे तो वो किसी एजेंसी से भी तो हायर करवा सकते हैं आउटसोर्सिंग से, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो सरकारी नौकरी में जो हमारी नियोजन में है सबको बराबर मौका दिया जाए, इसलिए हमारे ऐसे विज्ञापन आते हैं, अन्यथा ये चीज़ें होती, कभी दिमाग से सोच के देखिए, ये बहुत बड़ा एक प्रोसेस है, आपको तब समझ में आएगा, ठीक है। बाकी मैंने अवेयरनेस के लिए वीडियो दिया था कि आप लोग जब भी फॉर्म भरेंगे तो बड़े प्यार से भरेंगे, एक एक चीज़ ध्यान से देखते हो, क्योंकि छोटी सी चीज़ से सिलेक्शन आपका ख़राब हो सकता है,
चलिए बाकी दोस्तों मिलेंगे आपको जल्दी। अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए मोटिवेट और अवेयर करें, साथ ही अपने घर में, अपने आसपास और अन्य जगह पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अच्छे से स्टडी करें दोस्तों, अपना ध्यान भी रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।